आंखों के नीचे डार्क सर्कल यानी कि काले घेरे, ये सिर्फ महिलाओं को ही नहीं होता बल्कि पुरुष को भी होता है। बहुत अधिक स्क्रीन देखने से, बहुत कम नींद लेने से, तनाव और कई अन्य कारणों से होता है। और जब हमारे आंखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं तो वो हमें थका हुआ दिखाता है और दिखाता है कि हम जो एज में है उससे अधिक दिखाता है, मीन्स वृद्ध दिखाता है, मीन्स बूढ़ापन दिखाता है। तो हमारे आंखों के नीचे जब डार्क सर्कल होता है और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं क्योंकि हम लोगों का चेहरा बहुत अजीब लगता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप घर के तरीके से कैसे आंखों के नीचे जो काले घेरे रहते हैं उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। ये रेमेडी सिर्फ आपको 10 दिन यूज करना है। 10 दिन के अंदर आप खुद देखोगे कि आपकी आंखों के जो नीचे काला सर्कल है वो ठीक हो गया है। लेकिन होम रेमेडी या फिर कोई क्रीम लगाने से पहले आप ये ध्यान रखना कि आप कभी ये आदतें मत करना। वो कौन कौन सी गलत आदत है जिसके कारण से आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाता है, आप कितना भी रेमेडी यूज कर लो, कितना भी मेडिसिन खा लो, फिर वो नहीं जाएगा। तो कौन से कार्य है जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप कंप्यूटर पे बैठते हो कोई भी काम करने के लिए, तो जैसा कि आप लगातार 3-4-5-6 घंटे लगातार बैठ गए, इसके कारण से आपकी आंखों में प्रभाव पड़ा। प्रभाव पड़ने पे वह आंसू आ गए और आंसू निकलने लगे। बहुत कोई के होता है कि कोई भी स्क्रीन देखने से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंख लाल हो जाता है, जिसके कारण से उसकी आंख पर इफेक्ट पड़ता है। ये अगर आप एक महीना लगातार करते रहोगे और आंखों को आराम नहीं दोगे तो आपके आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाएगा। इसलिए अगर आप कंप्यूटर चलाते हो तो कभी भी ऐसा नहीं करना कि 3-4 लगातार घंटा आप कंप्यूटर चलाते रहना। आंखों को आराम आपको कैसे देना है, तो सबसे पहले आप 1 घंटा लगातार कंप्यूटर चलाएं। 1 घंटा के बाद बस 5 मिनट आप आराम से बैठो, आंखों को बंद करो और अपनी हथेली की मदद से आंखों में ऐसा मसाज दो, सिर्फ लगाकर आप बैठना है। ऐसे क्या होगा, अगर आप 1 घंटा लगातार जो कंप्यूटर चलाए होंगे, 1 घंटा के अंदर जो प्रभाव पड़ा होगा उसे आराम देगा। सिर्फ आपको 5 मिनट तक करना है, फिर आप कंप्यूटर चलाए 1 घंटा, फिर वैसे ही 5 मिनट आंखों को आराम दो। इससे क्या होगा, आपकी आंखों में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसके कारण से आप 1-2 साल कंप्यूटर चलाते रहो, लेकिन इससे क्या हो रहा, आप आंखों को आराम दे रहे हो तो आपकी आंखों में ना ही कोई डार्क सर्कल होगा और ना ही आपकी आंख भी खराब होगी। तो ये था पहला। और दूसरा, आप भरपूर नींद लिया करो। मान लो आप सिर्फ 6-5 घंटा सोते हो तो आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आएगा ही आएगा, क्योंकि आप भरपूर नींद नहीं ले रहे हो। भरपूर नींद लेने से क्या होता है, आंखों में आराम भी होता है। तो कम से कम आपको रोजाना 8 घंटे नींद लेना चाहिए, तो नींद ज्यादा लिया करो और तनाव कम लिया करो। क्योंकि अगर आप ज़्यादा सोचोगे, ज़्यादा टेंशन लोगे, तो इससे क्या होगा, वो आपके ब्रेन पे इफेक्ट करेगा। और ब्रेन भी हमारे एक पार्ट ऑफ हिस्सा है आँख का, और जो जिससे कि आपकी आँख पे वो प्रभाव पड़ेगा और आँखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाएंगे और आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा अजीब लगेगा। इसीलिए आप ये चीज़ ना करें, कभी भी तनाव ना लें और भरपूर नींद लें। कंप्यूटर को आप देख रहे हो या फिर मोबाइल चला रहे हो तो उसके 1 घंटे के बाद 5 मिनट अपनी आँखों को आराम दे। ये चीज करोगे तो ना ही आपके आंखों के नीचे काले घेरे आएंगे और ना ही आपके आंख भी खराब होंगे। ये था कि अगर आप रेमेडी यूज़ कर रहे हो फिर भी अगर आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल नहीं हो रहा, तो इनमें से आप कोई ना कोई कार्य कर रहे होंगे जिसके कारण से आपकी आंख पे इफेक्ट पड़ ही रहा होगा। आप रेमेडी कितना भी यूज़ कर लो, अगर आप कंप्यूटर देखोगे, नींद नहीं लोगे, तनाव में रहोगे, तो इससे क्या होगा, आंख पर इफेक्ट करेगा। कितनी भी रेमेडी यूज़ कर लोगे तो भी आपका नहीं ठीक होने वाला है। इसलिए ये सारे कुछ कार्य ना करें जो मैं आपको बताई हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे रेमेडी यूज़ करोगे और कैसे जो आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गया वो भी ठीक करोगे। तो सबसे पहले आपको रेमेडी बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो आपको 2 बनाना चाहिए और उसके बाद आपको आलू भी चाहिए। तो मैं यहाँ पर 2 बनाना ले रही हूँ। बेसिकली आपको ये बनाना का छिलका चाहिए। बनाना में कार्बोहाइड्रेट रहता है जो कि तनाव को दूर करता है। जो आपका तनाव दूर होगा तो आपकी आंखों जो नीचे डार्क सर्कल है वो ठीक होंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर छिलका जो बनाना का है वो निकाल रही हूँ। और ये निकालने के बाद आपको क्या करना है, बनाना के छिलके में जो परत बैठे रहते हैं ना, आपको वो निकालना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि आपको कैसे निकालना है, कोई भी नाइफ की मदद से निकाल सकते हो या फिर आप स्पून की मदद से भी निकाल सकते हो। धीरे धीरे आपको इसको अच्छी तरह से जितने भी छिलके हैं दोनों बनाने के आपको निकाल कर आपको कोई भी बर्तन में रख देना है।
बनाना के छिलके में जितने भी परत बैठे हुए थे, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं अच्छी तरह से निकाल ली हूँ यहाँ पर। निकालने के बाद इसमें आपको क्या मिलाना है, तो आपको चाहिए पोटैटो यानी कि आलू, आपको आधा आलू चाहिए। आलू में जितने भी छिलके होंगे आपको अच्छी तरह से धोकर निकाल लेना है, उसके बाद आपको हाफ कट कर देना है और आपका आपको हाफ का ही यूज़ करना है। उसके बाद आपको हाफ आलू जो लिए थे आपको कद्दूकस करना है अच्छी तरह से, और बर्तन में ही करना, ये नहीं कि आप ज़मीन में कर दो, क्योंकि इसे हमें साफ़ सुथरे तरीके से रखना है और अपनी आँखों में लगाना है। जब इसमें कोई भी गंदा रहेगा तो मे बी आपको ये साइड इफ़ेक्ट कर सकता है, आपको इचिनेस होगा और आपका जो आँखों के नीचे डार्क सर्कल होंगे ना, वहाँ लाल भी हो सकता है। इसलिए साफ़ सुथरे तरीके से आप कोई भी रेमेडी बनाया करो तो साफ सुथरे तरीके से बनाया करो। तो जैसे कि देख सकते हो मैं यहाँ पर अच्छी तरह से कद्दूकस कर रही हूँ। बनाना के छिलके में जो परत बैठता है वो बहुत ही अच्छा होता है आँखों के, तो आप वही यूज़ करना, ये नहीं कि इसमें जो बनाना निकला है वो यूज़ करना, वो मत यूज़ करना। बनाना के छिलके में जो परत बैठा है आपको वही यूज़ करना जो आपको दिखा रही है, 100% वही यूज़ करना। अच्छी तरह से मैं यहाँ पर कद्दूकस कर ली हूँ। उसके बाद आपको यूज़ करना है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल हमारे आँखों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और फेस के लिए भी अच्छा होता है। अगर आप रोज़ रात में कोकोनट ऑयल लगा कर सोते हो अपने फेस में, सुबह उठ कर देखो कि आपका फेस बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है, तो अगर आपके पास वर्जिन कोकोनट ऑयल है आप वो भी ले सकते हो। मेरे पास यहाँ पर पैरासूट का था तो मैं यहाँ पर डाल। अब आप सोच रहे हो कि आपको कितना तेल डालना चाहिए, तो आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से देख लेना। जितना मेरा क्वांटिटी है मैं यहाँ पर कम से कम 3 बूंद डाली होंगी और उसको अच्छी तरह से मेरे को मिलाना है। और आप ये स्टोर करके भी रख सकते हो फ्रिज में, अभी तो ठंड का मौसम है, आप ऐसे रूम टेम्परेचर भी रख सकते हो ज़्यादा ठंड है तो। अगर आपके घर तरफ ज़्यादा ठंड नहीं, आपके एरिया में ज़्यादा ठंड नहीं है, तो आप फ्रीजर में रखो, सबसे बेस्ट रहेगा। आप कितने दिन तक इसे स्टोर करके रख सकते हो, कम से कम आप इसे 20 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो। 20 दिन से ज़्यादा मत करना, ये खराब हो जाएगा। आप सोच लोगे आपको ये कब लगाना है, तो रोज़ आपको लगातार एक भी दिन स्किप नहीं करना, सोते टाइम लगाना है। सोने से पहले अच्छी तरह से आँख के साइड में अच्छी तरह से लगा लेना, जहाँ जहाँ पे काले घेरे हैं, और लगाने के बाद आधे घंटे तक आराम करना आँख बंद करके। उसके बाद आप हटा देना, ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश कर लेना और कोई भी मॉइस्चराइज़र जो आप यूज़ करते हो वो यूज़ कर लेना। उसके बाद अच्छी तरह से आप सो जाना। सुबह उठकर आप देखोगे आपके आँखों के नीचे जो डार्क सर्कल होगा ना वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। आप भरपूर लीन देखिन ज़रूर लेना। आप 6 घंटा मत सोना, 8 घंटा सोना। इससे क्या होगा, 10 दिन का आप खुद अंदर देखो कि आपके आँखों के नीचे जो काले घेरे थे वो चला गया। आई होप आप अच्छी तरह से ये वीडियो में समझ गए कि आप अपने आँखों के नीचे जो डार्क सर्कल हो गया आपको वो कैसे दूर कर सकते हो। भरपूर नींद लेना, कंप्यूटर चला रहे हो तो आँखों को आराम भी देना, और तनाव में मत रहना, टेंशन मत लेना, और बस खुश रहना, हेल्दी चीज खाया करो और बॉडी को भी अच्छे रखो। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।